ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। जयपुर में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि पुलिस की वर्दी में वारदात करने लगे हैं। ये बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुसने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बात करेंगे कि जैसे आप इनको पहले से जानते हैं, आपके इलाके के थाने का नाम लेकर कहते हैं कि वहीं से आए हैं। आप इनके झांसे में आए नहीं कि घर में प्रवेश किया, ये बंधक बनाकर लूटपाट करते हैं। जयपुर शहर में मंगलवार दोपहर मानसरोवर और करधनी इलाके में इसी से वारदात करने की कोशिश की गई। फर्जी पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। करधनी थाना इलाके के मंगलम सिटी स्थित D-103 में रहने वाले भंवर सिंह नरुका ने FIR करधनी थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर 12:40 उनके फ्लैट पर एक पुलिसकर्मी आया। उस समय घर पर उनकी पत्नी ब्रजेश कंवर व उनकी माता चंद्रमुखी मौजूद थी। उनकी पत्नी ने फ्लैट के अंदर का गेट खोला, बाहर का जाली का दरवाजा नहीं खोला, जाली के दरवाजे के भीतर रहकर पुलिसकर्मी से बात की। पुलिसकर्मी ने कहा कि वह करधनी पुलिस थाने से आया है, उनके पति भंवर सिंह से बात करनी है। ब्रजेश कंवर ने कहा कि वह नहीं है। इस पर उसने भंवर सिंह का नंबर मांगा। इसके बाद पुलिसकर्मी ने महिला से पानी पिलाने को कहा। महिला ने जैसे ही पानी दिया, आरोपी और उसके दो साथी घर में जबरन घुस गए। एक बदमाश ने पिस्टल दोनों महिलाओं पर तान दिए। इस पर दोनों महिलाओं ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे घबरा कर तीनों बदमाश मौके से कार से फरार हो गए। बदमाशों का बाजार से निकलते हुए का भी CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। जयपुर में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। किसी सर्वे या पूछताछ के बहाने अगर कोई व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर या किसी अन्य कंपनी ऑफिस का स्टाफ बनकर घर में घुसना चाहता है तो उससे सतर्क रहिए, गेट पर ही उससे बात कीजिए और अंदर मत आने दीजिए। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।